वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन आवर बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग क्या होती है एसेट एलोकेशन की, एसेट एलोकेशन की क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं और उसको कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, उसका क्या मतलब होता है, कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट है, वो सब के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के पहले हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई थी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, वो भी जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए। अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए स्ट्रैटेजीज़ के जो मतलब असेट के एलोकेशन करने की स्ट्रैटेजीज़ हैं, बेसिकली यहाँ पे तीन स्ट्रैटेजीज़ दी गई हैं। नंबर वन है स्ट्रैटेजिक असेट एलोकेशन, दूसरा है टैक्टिकल असेट एलोकेशन, तीसरा है रीबैलेंसिंग। अब हम देखते हैं वन बाय वन क्या होता है। स्ट्रैटेजिक काफ़ी छोटी वीडियो होने वाली है, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी। स्ट्रैटेजिक असेट एलोकेशन का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे ना हम लोग जो भी चीज़ें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेके की जाएगी। मतलब मान लीजिए अगर कोई पर्सन किसी एडवाइज़र के पास पहुंचता है और बोलता है आई वांट टू इन्वेस्ट फॉर रिटायरमेंट, आई वांट टू इन्वेस्ट फॉर चाइल्ड एजुकेशन, आई वांट टू इन्वेस्ट फॉर पेइंग डाउन पेमेंट ऑफ हाउस, ऐसा ऐसा करके जो भी वो रिक्वायरमेंट बताता है वो हिसाब से एक स्ट्रैटेजी डिसाइड होती है और पैसा उस तरीके से उस होराइजन के लिए वो रिस्क एंड रिवॉर्ड एपिटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। वेरी सिंपल। वही अगर हम बात करेंगे टैक्टिकल असेट एलोकेशन की तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सेम स्ट्रैटेजिक वे में होता है, बट मान लीजिए अगर उनको लग रहा है यहाँ से ये वाला असेट क्लास इस डायरेक्शन में बढ़ सकता है तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोज़र बढ़ा देंगे, यहाँ पे ये थोड़ा सा कम हो सकता है तो वहाँ से थोड़ा इन्वेस्टमेंट का एक्सपोज़र कम कर देंगे। तो इससे होता क्या है, रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है लेकिन रिवॉर्ड थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो टैक्टिकल असेट एलोकेशन इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ स्ट्रैटेजिक असेट एलोकेशन। तो यहाँ पे रिस्क को कम किया जाता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द रिवॉर्ड। और अगर तीसरा हम बात करेंगे दिस इज़ रीबैलेंसिंग, ये एक्चुअली मार्केट में बहुत ज़्यादा चलती है। रीबैलेंसिंग को किस तरीके से यूज़ करते हैं मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। उसके पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए मान लीजिए आपने दो असेट क्लास में इन्वेस्ट किया है, एक असेट क्लास में 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, दूसरे असेट क्लास में 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। अब एक साल बीत गया, फर्स्ट असेट क्लास 20% से अप है, सेकेंड असेट क्लास 5% से डाउन है। अब फर्स्ट असेट क्लास हो गया 1000 रुपये का 1200, सेकेंड असेट क्लास हो गया 1000 रुपये का 950। अब ये कम है ये ज़्यादा है, अब यहाँ पे ना रीबैलेंसिंग करना है 50-50, कहीं पे 40-60 होता है, कहीं 70-30 होता है, डिपेंड अपॉन द प्लान, यहाँ 50-50 है। तो 1200 प्लस 950 दोनों का टोटल मारेंगे तो 2150 आ रहा है। अब 2150 है ना, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे और वापस से असेट क्लास 1 में इक्वल अमाउंट और असेट क्लास 2 में इक्वल अमाउंट, दोनों में 50-50% हम इन्वेस्ट कर देंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड रीबैलेंसिंग। तो कायदे से अगर देखा जाएगा ना तीनों ही स्ट्रैटेजीज़ बहुत बढ़िया चलती हैं। बेसिक होते हैं, जिनको दिमाग नहीं लड़ाना होता है वो स्ट्रैटेजिक वाला यूज़ करते हैं, जिनको थोड़ा दिमाग लड़ाने आता है वो सेकंड वाला टैक्टिकल यूज़ करते हैं, और जिनको है रोबोट जैसा काम करना है वो रीबैलेंसिंग यूज़ करते हैं। सिंपल सा है, साल के एंड में बैठना है, कैलकुलेशन करना है, डिवाइड करके डाल देना है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना रीबैलेंसिंग में दिमाग कम लगाना है, मेहनत ज़्यादा है बट दिमाग कम लगाना है, और लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया रिटर्न देता है। सो तीनों ही स्ट्रैटेजीज में से आप अपनी स्ट्रैटेजी पसंद की चुन सकते हैं और किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। इस वीडियो के लिए इतना ही। फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फाल्कन फिन, और साथ ही साथ क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।